नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। वो कार में सवार होती है और भाड़े के गुर्गों को साथ लेकर निकल पड़ती है। नेटवर्क इस कदर जबरदस्त कि एक इशारे से सीमांचल के कई शहरों में डाका डलवा दे। गैंग के सभी सदस्य बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। लूटने से पहले किसी को इन पर शक भी नहीं होता। पहले टारगेट फिक्स किया जाता है और गाड़ी पर सवार होकर पूरा गैंग वहां पहुंच जाता है। इसके बाद रेकी की जाती है और मौका देखकर हाथ साफ कर दिया जाता है। किस तरह से वो चोरनी अपने पूरे गिरोह के साथ बड़े बड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करती थी, अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सीमांचल के शातिर चोर सीमा और आरती अब कटिहार पुलिस की गिरफ्त में है। काफी समय से पुलिस और इनके बीच आंख मिचौली का खेल चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गई। इन दोनों के साथ साथ पांच और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इनके साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने गए थे। पुलिस के मुताबिक सीमा इस गैंग की सरदारनी है और इसी के इशारे पर वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हाल के दिनों में इन लोगों ने चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। हाँ, इनके पास एक वैगनर गाड़ी है जो जब्त की गई है। उस वैगनर गाड़ी में ही ये चोरी करके सारा सामान रख लेते हैं। जो मुख्य सरगना है वो भी महिला ही है, तो और उनके साथ पुरुष रहते हैं, तो कई बार इन पर संदेह भी नहीं जाता है। पहले भी इन लोगों के द्वारा और इस गैंग के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दी गई। दो दिन पहले चोरों का यह गिरोह पूर्णिया जिले से चला और कटिहार के एक गांव में हाथ साफ कर दिया। सेवापुर थाना क्षेत्र के सिक्कत गांव में शीतल प्रसाद चौधरी तो लुट चुके थे, लेकिन माल समेट कर ये लोग जैसे ही आगे बढ़े अचानक सामने से पुलिस ने रोक लिया। फिर तो झटके से सारा राज भी खुल गया। गाड़ी से ही लूट का सारा माल भी बरामद हो गया। तब यहाँ से गर्जे कौन है के भाई उठक ढकाए, हम बोले हैं कष्ट की आवाज से, पूरा आवाज से बोले तो उसको लगा कि कुछ ढेर आदमी आ गया गेट पर, इसलिए चारों को भागा ऊपर। इसके बाद विकास जी उधर से फोन किए, ये आदमी तीन आदमी इधर टपा है, चार आदमी इधर टपा है। उसके बाद जैसे हम गेट खोल रहे थे उस समय पेट्रोलिंग वाले इधर गए, हमको टोके नहीं, उधर से रोके तो आदमी ढेर था यहाँ पर, तब रोक करके देखे सामान में चोरी हुआ है। तो हम ही कह रहे उनको कि सर आगे बढ़कर के अमीनाबाद की तरफ जाकर के देखिए, हो सकता है पकड़ाया जाए। इन लोग सब पैदल गए थे नीचे से, गाड़ी जो यहाँ गाड़ी लगा हुआ था, गाड़ी बाई रोड निकल गया। तो थाना वाले भी पेट्रोलिंग वाले वो गया उधर पेट्रोल पंप के अंदर, वहीं जाकर कहाँ पकड़े हैं इन लोग। पाँच भर सोना छे और 2 लाख रुपया, 10 भर चांदी। मगर हैरत ये कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद चोरों का यह गिरोह कैमरे के सामने मानने को तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। यहाँ से फोन चोरी हुआ था, इसलिए गिरफ्तार किया। आप लोग पे आरोप लगाया गया, तो ये लोग जो सब साथ में है वो कौन है? सब बगल का है। क्या करने आए थे आप लोग? सोनापुर जा रहे थे, उनकी नानी बोली। रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे? ये लेडीज कौन है? ये दूसरी मेरा सहेली। क्या नाम है इनका? आरती। आरती कुमारी। दोनों घर एक ही जगह है। हाँ। आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा सुल्तान। कहाँ घर है आपका? खुकसूबा। पुलिस को गिरफ्तार किए? क्योंकि ये सर हमको नहीं पता सर, गाड़ी में बैठे थे हमको उठा ले। कहाँ घर है वो? और वो दो लेडीज जो है आपके साथ में? बगले के सर। वो भी साथ में थी गाड़ी में? था, नीचे में था, तो उठा के लेकर आए हैं। सब खोखसी बाग से आए? कितने बजे रात को पकड़े थे? वही 3 भोर में पकड़ा। 3 बजे सुबह? नहीं नहीं सर, 3 बजे सवेर में। हाँ तो वही 3 बजे सुबह? नहीं नहीं, 5 बजे पकड़ा है। 5 लोग थे जी सर, 2 महिलाएं थे। चोरों के गिरोह को दबोचने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है और अब वो इनकी कुंडली खंगालने में जुट गई है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से इलाके में चोरी की घटनाओं में लगाम लगेगी। न्यूज बायस्कोप के लिए कटिहार से श्याम की रिपोर्ट। सीमांचल की शातिर चोर सीमा और आरती अब कटिहार पुलिस